आज लंच में बनाऊंगी मैं जीरा आलू की सब्जी और साथ में रोटी बनाऊंगी। तो जिस हिसाब से मैं बनाती हूँ वैसा मैं आपको बताऊंगी। और आज मैं खाना बना रही हूँ इंडक्शन चूल्हे में, तो मैं इंडक्शन चूल्हा ऑन कर लेती हूँ। ये देखो आवाज़ आ गई आपको इंडक्शन चूल्हे ऑन की। और साथ में मैंने पैन पहले ही रख दिया था, और साथ में मैं डालती हूँ मैं सरसों का तेल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे जो पति देव जी हैं ना वो थोड़ा ऑयल को अवॉइड करते हैं ज़्यादा ही, उनको ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना सा तेल डाला है, मतलब एक ढक्कन के बराबर तेल डाला है। ये देखिए गाइस, एक ढक्कन के करीब मैंने तेल डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा। जीरा से ढकने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, जीरा और थोड़ा सा साबुत हमने डाला था, वो मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी तो वो वीडियो मेरी बन नहीं पाई उसकी। अब इसमें डाल दूँगी टमाटर, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। एक बार ही मैं सबको डाल के उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। फिर डालूँगी थोड़ा सा हल्दी, हल्दी पाउडर, और डालूँगी इसमें कसूरी मेथी खूब ढेर सारा। कसूरी मेथी का जो टेस्ट आता है ना बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट। और टाइमिंग मैंने 400 में किया हुआ है जिससे मेरा मतलब मसाले मेरे जले ना और आलू भी ना जले। और थोड़ा सा डालूँगी धनिया पाउडर, बस उसके बाद इसको चला लेंगे अच्छे से। जैसे मैंने इसको चला लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल देते हैं बस। थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च कट करके रखा हुआ है। मैं पहले बोल रही हूँ मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ झटपट, क्योंकि इंडक्शन चूल्हा में खाना अच्छे से बनता नहीं है। जो मज़ा कढ़ाई में है वो इंडक्शन चूल्हे में नहीं है। जो मज़ा गैस में है वो इंडक्शन चूल्हे में मज़ा नहीं है। तो बस सब कुछ डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं, फिर उसके बाद टाइमिंग बढ़ा देते हैं इसकी, अच्छे से ये फ्राई हो जाए। उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने डाल दिया है, इसको चला देंगे। इसको मैंने चला दिया है, अब मैं इसको ढक देती हूँ। अब मैंने ढक के रख दिया है इसको, बस अभी 1000 वॉट पे मैंने लगा रखा है इसको टाइमिंग। और जैसे इसमें एक उबाल आएगा तो मैं इसकी जो टाइमिंग है वो मैं कम कर दूँगी। जीरा आलू तो मेरे झटपट तैयार हो गए हैं क्योंकि इंडक्शन चूल्हा में ना खाना थोड़ा लेट बनता है काफ़ी। जो मतलब जो मज़ा ना गैस में है वो मज़ा इंडक्शन चूल्हे में कहाँ है। तो इस वजह से मैंने बस सब कुछ एक बार में डाल के पानी डाल दिया है, थोड़ा सा फ्राई करके पानी डाल दिया है। अब धीरे धीरे सब्जी हो बन जाएगी अपने आप ही। और साथ में मैंने हरी मिर्च डालना भूल गई थी तो मैंने हरी मिर्च ऊपर से डाल दी है। अब इसमें उबाल आ गया है तो मैं इसका जो टाइमिंग है वो कम कर देती हूँ, 800 कर देती हूँ अभी फ़िलहाल। तो धीरे 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 सब्जी मतलब हो जाएगी बन जाएगी। और एक तरफ मैं लगा लेती हूँ आटा। जीरा आलू मेरे बन के बिल्कुल तैयार हो गए, मेरी बेटी के फेवरेट हैं ये ना रसीले वाले खाती है जीरा आलू, ऐसे वाले मतलब कट करके। जैसे आलू से मेरी बेटी को आलू उबाल के टमाटर डाल के से बना के देना तो वो खाती नहीं है। तो ये ऐसे ना कट करके छोटे छोटे पीस में आलू को कट करके थोड़ा सा टमाटर डाल दो और थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के रसीले थोड़े से होने चाहिए तो वैसे खा लेती है मेरी बेटी। तो चावल तो बनाऊँगी नहीं क्योंकि इंडक्शन चूल्हे में चावल से बन तो जाते हैं, पर बनाऊँगी नहीं। फिर अगर चावल बनाऊँगी तो मेरी बेटी को उसके साथ चाहिए दाल, तो दाल तो कुकर तो है नहीं अभी फिलहाल इंडक्शन चूल्हे का, तो कोई बात नहीं। तो ये सब्जी अपनी बेटी की फेवरेट बना ली है मैंने, तो इससे
तो इससे वो खा लेगी। अब मैं बनाऊंगी अपनी बेटी के फेवरेट पूड़ी, तो जिससे मेरी बेटी का पेट तो भर जाए कम से कम। तो चलो बस अब बनाते हैं पूड़ी, और हम अपने लिए बनाएंगे फुलके, बस अपनी बेटी के लिए पूड़ी बना के, क्योंकि बेटा भी ना पूड़ी खाता नहीं है, स्कूल से आएगा तो वो कहेगा मामी मेरे को रोटी चाहिए, तो बस अपनी बेटी के लिए पूड़ी बनाऊँगी। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और पूड़ी बन रही है मेरी बेटी के लिए गर्म गर्म। मेरी बेटी खुश हो जाएगी आज तो देख के। अरे 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 मेरी बेटी का फेवरेट है पूड़ी, तो बस अब मेरी बेटी के पूड़ी और सब्जी इसको मैं दे देती हूँ खाने के लिए। फुली फुली बन गई मेरी पूड़ी, अब मैं अपनी बेटी को देती हूँ खाने के लिए। बेटी की पूड़ी बनाने के बाद अब मैं अपने लिए मतलब सबके लिए फुलके सेक रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था पूड़ी खाने का, वो अपनी बेटी की वजह से मैंने पूड़ी बनाया था, मेरी बेटी को पूड़ी पसंद है इस वजह से। आज मज़ा लेंगे इंडक्शन चूल्हे की बनी हुई रोटी। थोड़ी कच्ची पक्की रोटी बन रही थी, क्योंकि ना इसमें टेम्परेचर का कुछ पता नहीं चल रहा था रोटी कैसे बनेंगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ उसको, और हमें मुश्किल से 10-12 दिन हुए लिए को, और मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। तो बस बना रहे हैं रोटी। और A few minutes later, मेरी बेटी के पास चलते हैं। मेरी बेटी, ओहो मेरी बेटी देखो क्या कर, बेटा नो क्या कर रही है, देखो ये सारा बेड इसने खिलेर दिया, बेडशीट मैंने सुबह ही तय बना के रखी थी, और ये देखो ये इसके काना में मेरी बेटी के, बस इसके तो उल्टे सीधे काम रहते हैं। अब मुझे इसके बाद बैठना पड़ेगा, अब दिखाती हूँ मैं आपको क्या कर रही है। ये बेडशीट निकाल दी है और वहाँ अंदर बैठी हुई है आराम से मज़े से, मेरी बेटी फुल एंजॉय कर रही है, फुल मस्ती ले रही है। क्या हुआ, निकलो निकल बेटा, अंदर नहीं घुस, अंदर नहीं जाते, अंदर बाहर आओ, बाहर आओ। पियो देखो कैसे बैठी है वहाँ पे, बेचारी बोर हो रही है, आज इसका कोई भी दोस्त नहीं आया खेलने के लिए, तो अकेली ऊपर चढ़ रही है सीढ़ियों पे, कैसे बैठ गई ऊपर जाके। पियो एंजॉय कर रही है ऐसे भाग भाग के, अब क्या करे बेचारी, इसके कोई दोस्त नहीं आए तो ऐसे ही बस अपने आप में खेल रही है। देखो पूरा आज बहुत कम जने आए हैं, शायद छुट्टी बीच में आ गई तो सब अपने नानी के घर दादी के घर चले गए हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो इस वजह से आज पियो के कोई फ्रेंड्स नहीं आए। और मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, और साथ में देखो मेरी बेटी फूल तोड़ने गई है, फूल तोड़ के लाएगी मेरे को देगी, देखना पक्का फूल मेरे हाथ में पकड़ाएगी। मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना हो रहा है, और ज़्यादा जने आज है नहीं, बहुत कम जने हैं, शायद सब छुट्टियां मना रहे हैं, अभी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई लोगों की। अंकल लड़की है, बेटी है? नहीं नहीं बेटी है, डॉगी कुछ नहीं कहेगा, डॉगी आप खेलो जाओ, रुको हाँ रुकी हूँ लेके आओ। भाग के आओ, 1 2 3 गो। देखो मेरे हाथ में फूल दे दिया इसने तोड़ तोड़ के। मेरी बेटी और मैं एंजॉय कर रहे हैं, पतिदेव जी गए हुए हैं पार्टी में, तो बस आज का वीडियो यहीं तक ही था। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, और साथ में शेयर सपोर्ट प्लीज जरूर करिए। और देखो मेरी बेटी दिखा रही है मेहंदी, मम्मी ने मेहंदी लगाई हुई है, ये गाइस मैं आपको दिखाना भूल गई थी मेरी मेहंदी का कलर कैसा है, ये देखिए ऐसा चढ़ा मेहंदी का कलर मेरी। और बस अब हम पतिदेव जी का वेट कर रहे हैं, जब वो आएंगे फिर अब हम सो जाएंगे। अब मेरी बेटी अपने पापा जी का वेट कर रही है। बाय 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 बाय, गुड नाइट बोल दो, बाय गुड नाइट बोल दो, नो गुड नाइट।
टाइट टाइट अब इसको बोलो बाय बाय बाय।